आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशु अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक 8 वर्षीय बच्चे को रौंदते हुए फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा घर के बाहर खड़ा था और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे धक्का मार दिया, जिसके चलते बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। ऐसा अरुण पटेल ने बताया कि परिजनों से आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरवारी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जितेंद्र सदा का पुत्र अमित सदा का रात लगभग 7-8 बजे में एक्सीडेंट से, स्कॉर्पियो की गाड़ी से एक्सीडेंट से असामयिक मृत्यु हुआ है। इसके लिए हम इसके आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार के प्रति हार्दिक दुख व्यक्त करते हैं और भगवान से मनाते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में बर्दाश्त करने का क्षमता हो और उसके आत्मा का शांति हो। क्या नाम है? अमित सदा। मेरा नाम पवन कुमार यादव। काम से लक्ष्मण पासवान जी, भरवारी पंचायत सरपंच। हमारा गांव भरवारी मुसहरी, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, वार्ड नंबर 11। हम पंच सदस्य हैं। हमारे गांव में शाम को स्कॉर्पियो से 7 बजे शाम में बच्चा को स्फुट मर्डर कर दिया। गाड़ी नंबर है 22। गाड़ी नंबर UP 16 2255। हमारा नाम अर्जुन पासवान। घर कहाँ हुआ? भरवारी मुसहरी, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। आप देखे लाश को? हाँ देखे हैं।